नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है भगवा, लेकिन हम बात करेंगे रंग बदलती सियासत की। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भगवा की रौनक देखने को मिली। दफ्तर की सजावट देखकर कांग्रेस के राजनीतिक रूपांतरण का आभास हुआ। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस का बगुला भगत अवतार कहा तो कुछ ने कहा कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन इससे बेपरवाह कमलनाथ ने कांग्रेस के धर्म संवाद को सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वालों का मंच बना लिया। उन्होंने पुजारियों को आश्वासन दिया कि 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर पुजारियों की मांग पूरी की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि भगवा बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है। इस पर कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जो कांग्रेस हिंदुओं से भेदभाव करती है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वालों को प्रश्रय देती है, वह अब चुनाव के समय भगवा अपना रही है। क्या भगवा रूपांतरण कांग्रेस का चुनावी स्टंट है और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पहुँच कहाँ तक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश में बिना हिंदुत्व के चुनावी बैतरणी पार नहीं लगेगी, इसलिए कांग्रेस अपने आप को हिंदूवादी दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही है। चाहे वो कमलनाथ का हिंदू अवतरण हो या फिर राम गमन पथ को लेकर महाकाल लोक के निर्माण तक कांग्रेस के दावे। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में धर्म संवाद के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को हवा देने की कोशिश की। इस आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की सजावट भगवे रंग से की गई। आयोजन में धर्म पर कितना संवाद हुआ ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक बातें भरपूर हुई। आयोजन में पधारे पुजारियों ने 1974 के पहले की व्यवस्था बहाल करने की मांग की तो कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया। कांग्रेस के इस भगवा कायाकल्प पर जब भाजपा ने कटाक्ष किया तो कमलनाथ ने कहा कि हम मंदिर जाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है। उन्होंने सवाल पूछा कि भगवा रंग पर क्या भाजपा का कॉपीराइट है। पत्रकारों ने पूछा कि ये भगवा, भैया मोबाइल नीचे रखना आपको, जो बैनर लगे हैं भगवा भाग लगा है, ये क्यों लगा है? मैंने कहा भगवा का ठेका क्या बीजेपी ने लिया होगा? कांग्रेस के भगवा अवतार पर भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है, न सॉफ्ट न हार्ड, लेकिन ये वही कांग्रेस है जो हिंदुओं के साथ में भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, भगवा लगाती है। कार्यालय में चुनाव का साल है और भगवाधारियों पर अत्याचार अनाचार करने वालों को राजनीतिक संरक्षण देती है, धर्मांतरण करने वालों को पालने पोसने का काम करती है। ये वही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद गढ़ने का काम करती है, ये वही कांग्रेस है जो भगवाधारी संतों का अपमान करती है, ये वही कांग्रेस है जो हिंदुओं को, जो प्रताड़ित होने अन्य देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं ने अतीत में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बन गई। कमलनाथ जैसे नेता कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक तरफ तो कमलनाथ बागेश्वर धाम से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा जैसी धार्मिक हस्तियों के यहाँ मत्था टेकते हैं, तो दूसरी तरफ पीसीसी का भगवा श्रृंगार करके और पुजारियों और संतों से बात करके कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रति हिंदू पुरानी बातों को भुलाते हुए कितना आकर्षित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं त्रिलोक दीपानी, कांग्रेस के नेता हैं, डीके जैन संघ विचारक हैं और बीजेपी के जुड़े हुए हैं, और संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले त्रिलोक जी, आपके ही पास, कि भगवा रंग चुनावी जरूरत, वक्त का तकाजा या राजनीतिक मजबूरी? देखिए, कांग्रेस हमेशा चुनावी जरूरत, वक्त का तकाजा है या राजनीतिक, कांग्रेस किसी एक विशेष रंग को लेकर नहीं चलती है। जो आपने भगवा की बात कही है, क्या किसी रंग पर किसी पार्टी का कोई कब्जा या कॉपीराइट बना हुआ है क्या? कांग्रेस के लोग हमेशा सभी धर्मों को मानने वाले हैं। जब ये पुजारियों का सम्मेलन, प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ तो माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं कहा,
मैं भी एक जब ये पुजारी हनुमान भक्त हूँ, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा लगवाई। और उन्होंने तिलोक जी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी दोबारा। तो जैन साहब, तो कांग्रेस तो कह रही है कि भगवा रंग तो आपका ट्रेडमार्क है नहीं, ना बीजेपी का ना संघ का, फिर बीजेपी को क्या आपत्ति अगर कांग्रेस भगवामय हो रही है? तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो आप आरोप लगाते रहते हैं उन पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और जब वो भगवा माने जाती है तब भी उन पर सवाल उठते हैं। जी देखिए, बात यह है कि कांग्रेस जो है वो नौटंकी करती है, नाटक करती है, दिखावा करती है, और हिंदुओं को ठगने की कोशिश करती है। आजादी के पहले भी उन्होंने ठगने की कोशिश की। सन 1916 में इन्होंने भारतवर्ष में खिलाफत मूवमेंट चलवाया, और ये कहकर कर चलवाया कि ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का मूवमेंट है, कि वो तुर्की में बादशाहत कायम करने के लिए खलीफा मूवमेंट स्थापित करने के लिए खलीफा मूवमेंट था, लेकिन कांग्रेस ने उसको खिलाफत मूवमेंट देकर हिंदुओं को बहकाया और हिंदुओं का बेवकूफ बनाया। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का जो शुरू से चरित्र रहा है वो तुष्टीकरण का रहा है। उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किसी तरह से हिंदुओं को भावनात्मक रूप से लेकर के ठगते रहो और मुसलमानों का तुष्टीकरण करके भारतवर्ष पर शासन करो, और शासन करने के बाद मुस्लिम आबादी को इस कदर बढ़ा दो, जो 1947 में मात्र 2 करोड़ थी, आज इन्होंने 22 करोड़ मुस्लिम भारतवर्ष में करवा दिए, और गजवाए हिंद के माध्यम से, सत्ता प्राप्ति के माध्यम से ये पूरे भारत को कलमा पढ़वाना चाहते हैं, ये पूरे भारतवर्ष का इस्लामीकरण। आपकी सरकार रहते हुए ऐसा संभव है क्या? तेजी से देखिए ना, हम जितना भी प्रतिबंध लगाएं, ये गांव-गांव में जाकर भोले भाले आदिवासियों को, किसानों को क्रिश्चियन ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और तेजी से मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं हर तरह से। इन्होंने मदरसों में कुरान पढ़ाने वालों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो पुजारियों की अगर चिंता कर रहे हैं, हिंदू धर्म की चिंता कर रहे हैं, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। नहीं, चिंता नहीं कर रहे ना, हम तो स्वागत करते हैं। अगर ये इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, इनका मस्तिष्क परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, तो हम इनका स्वागत करेंगे, एक बार नहीं 100 बार करेंगे। लेकिन ये झूठा बहकावा करके, झूठे भगवा पहनकर, एक तरफ तो इनके राहुल गांधी जो इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि हिंदुत्व से हमें नफरत है, हिंदुत्व हमें स्वीकार नहीं है। अब दूसरी बात, तुम्हें जब भगवा तुम अपनाते हो, हिंदुत्व तो अपनाने की बात कमलनाथ जी करते हैं चुनावी दृष्टिकोण से, तो उनको हिंदुत्व की जो शर्तें हैं, जो हिंदुत्व के नियम है, जो सिद्धांत है, उनको भी पालन करना चाहिए। अब हिंदुत्व का सबसे बड़ा सिद्धांत है गौ रक्षा और गौ पालन, गौ सेवा। ये तो उनकी सरकार थी तब, तो वो कह ही रहे थे कि गौशालाएं खोली जाएगी बड़े पैमाने पर। ये तो चौराहे पे गोमांस खाकर उसको वीडियोलाइज करके उसका प्रदर्शन करते हैं। इनके कांग्रेस के नेता चौराहे पे गोमांस खाते और फिर उसको वीडियो बना के पूरे देश में दिखाते, ये कैसी नौटंकी है, ये कैसा दोहरापन दोगलापन है। चलिए, मैं जवाब लूंगा उनसे, कांग्रेस नेता से। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आऊंगा जैन साहब, दोबारा आऊंगा आपके पास। किसी प्रकार से ये फिरोज खान के जो इटालियन वंशज हैं, ये किसी प्रकार से, मैं आऊंगा जैन साहब दोबारा आपके पास। संजीव जी, हम देखते हैं समय समय पर कि भोपाल में भी पोस्टर लगते हैं या देश भर में भी। पिछली बार भी हमने रामनवमी पर देखा था कि बड़े से राम भगवान के पोस्टर होर्डिंग PCC पर लगे। हमने देखा कि उन्होंने सुंदरकांड की बात हुई, तमाम सारे पाठ हुए मंदिरों में, कई सारे कार्यक्रम किए कांग्रेस ने। और अब फिर अब रामनवमी निकल गई, तब तो याद नहीं आई, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम किया है इस बार ने, फिर हिंदुत्व की उनको याद आई है। तो कैसे देखें कि केवल ये चुनावी एजेंडा है या वाकई में कांग्रेस अपनी छवि बदलती नजर आ रही है? देखिए मनोज, बहुत लंबे अरसे से यदि उठाकर देखा जाए तो 18 के बाद से लगातार देखने में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आई है। मध्य प्रदेश में और देश के अनेक ऐसे राज्य हैं जो जहां कह सकते हैं कि हिंदू आबादी ज्यादा है, यहाँ जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां, वैसे तो पूरे देश में ही भावनात्मक चुनाव, हर दल कोशिश करता है कि भावनाओं के साथ में कहीं ना कहीं उसको जोड़ दिया जाए। और आज जब कांग्रेस समझ चुकी है कि यदि हमको किसी न किसी रूप में वापसी करनी है, वापस आना है सत्ता में, सत्ता पाना है, तो हमें सॉफ्ट हिंदुत्व को
हम नकार कर नहीं चल सकते, तो कहीं ना कहीं उसी क्रम में कांग्रेस बार बार आगे बढ़ती दिखती। जैसे मैंने कहा कि आप अगर 2018 का विधानसभा का चुनाव उठाकर देखिए, तब ऐसा हुआ था, पर उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुए तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े लीडरान अलग अलग जो मंदिर हैं या और भी इस तरीके के जो धर्म स्थल है, मठ है, बाकी वहाँ वो मत्था टेकते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं लौटने की जो शैली है या इसको ये समझ में आ चुका है कि हमको सब सर्वधर्म संभाव के साथ साथ हमें इसको कहीं ना कहीं ये दिखलाना हो कि हम भी बड़े हितैषी हैं, बड़े पैरोकार हैं, तो वो क्रम चल पड़ा है और अब उसी को आगे बढ़ाते हो। चूंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव है और जो 2018 में जो गच्चा कांग्रेस खाई थी बहुत थोड़े से अंतर से, वो 109 सीटें जब लेकर 114 सीटें लेकर आई थी और साथ जो अन्य दलों को मिलाकर एक सरकार बनाने में कामयाबी, तो बाद में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, तो अब कितने नंबर, खेल पूरा नंबरों का है, तो नंबर कैसे हासिल की जाए उसके लिए साम नाम दंड भेद की राजनीति रणनीति हर दल अपना रहा है और कांग्रेस अब उसमें पीछे नहीं रही है। तो जैन साहब, हर तरह की रणनीति कांग्रेस अपना रही है, तो बीजेपी क्या करती नजर आ रही है? संघ परिवार जो लगातार आपने ईसाई मिशनरी का बात किया है उसके खिलाफ काम चल रहा है, संघ परिवार जुटा हुआ, उसके बाद भी अगर आपकी सरकार रहती इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं और कांग्रेस जो चोला बदल रही है, तो बीजेपी या संघ परिवार के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, ये हमारे लिए निश्चित रूप से गहन चिंता का विषय है, क्योंकि डेमोग्राफिक बैलेंस जो है इस देश का, जो जनसंख्या जो संतुलन है, वो ये तेजी से खराब करते जा रहे हैं। 1947 से लेकर के 60-65 वर्ष तक जो कांग्रेस का शासन रहा इस देश में, उसमें इन्होंने मुस्लिम आबादी को तेजी से बढ़ने का प्रोत्साहन देने का काम किया और स्थिति ये हो गई कि आज इन्होंने 5 करोड़ तो बांग्लादेश के मुस्लिम्स को भारत में प्रवेश दिला दिया, पाकिस्तान से बहुत सारे मुस्लिम्स को भारत में बसा दिया और भारत में जो इनिशियली 1-2 करोड़ मुस्लिम थे उनको ले जाके इन्होंने 20 करोड़ पे पहुंचा दिया। लेकिन उसके साथ हिंदुओं की आबादी भी तो बढ़ी है, बाकी धर्म के लोगों की आबादी भी तो बढ़ी है। नहीं, लेकिन हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, हिंदुओं में धर्म के प्रति वो कट्टरता नहीं है सनातन धर्म में जो इन लोगों में पाई जाती है। धर्म के प्रति इन लोगों में राष्ट्र के प्रति संवेदना नहीं है, लेकिन अपने मजहब के प्रति पूरी संवेदना है। इनका कहना यह है कि इस्लाम हमारे लिए प्रथम है, राष्ट्र हमारे लिए दूसरे नंबर पर। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, जो व्यक्ति अपने धर्म को पहले नंबर पे रखता हो, राष्ट्र को दूसरे नंबर पे रखता हो, वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए चिंता का कारण बन जाता है। यदि आज कहीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट का मैच होता है तो हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान के समर्थन में चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि उनकी संवेदनाएं और उनकी भावनाएं भारत वर्ष के साथ नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान का जब नाम आता है तो वो रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की वकालत करते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, हम तो अभी चूंकि चुनावी मामले पर बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जब इतनी चिंता है तो जो पुजारियों की मांगे हैं वो सरकारें मान क्यों नहीं लेती है? पुजारियों की मांगे निश्चित रूप से हम मानेंगे और हम ये कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में कि धार्मिक संतुलन पैदा हो, वास्तव में सांप्रदायिक सौहार्द वास्तव में बने। आज आप देख लीजिए रामनवमी का जो जुलूस हावड़ा में, बंगाल में, बिहार में निकला और वही रामनवमी के जुलूस उत्तर प्रदेश में निकले, कितना बड़ा अंतर था। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय ने आकर रामनवमी में हिंदुओं का और भगवान राम का स्वागत किया। उनके ये तस्वीरें तो हमने खरगोन में भी देखी, जहाँ पिछली बार दंगा हुआ था वहाँ भी मुस्लिमों ने रामनवमी के जल झलावाओं पर फूलों की वर्षा की, स्वागत किया है। ये निश्चित रूप से एक अच्छे बदलाव का संकेत है और ये तभी संभव हो सकता है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोगों की भावनाएं शुद्ध हो, उनके विचारों में दोगलापन ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो निहायत दोगलेपन से बनावटी चीजों से भरी हुई है। वो ऊपर भगवा पहन ले, कभी हरा पहन ले, कभी लाल पहन ले, कभी नीला पहन ले, लेकिन उनका मन जो है वो पापी है और इस पाप से ग्रस्त है। कि चलिए जुड़ गए हमारे साथ त्रिलोक दीपानी जी, कांग्रेस नेता, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। त्रिलोक जी, आपने आरोप सुनी लिए होंगे जैन साहब के, और दूसरा जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था कि आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी है या हिंदुत्व जरूरी है, क्योंकि समय समय पर होता है या रेगुलर होता रहे तो भी समझ में आए। लगता है फिर से संपर्क टूट गया। तो संजीव जी, ये जो हम देख रहे हैं कि चुनावी साल है तो इस प्रकार के कई हमको उपक्रम करते दिखेंगे, नेता लोग भी, राजनीतिक दल भी, लेकिन ये जो बात बार बार होती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, जो जैन साहब कह रहे हैं कि हिंदू कट्टर नहीं होता है,
या रजनीश अग्रवाल भी कह रहे थे, तो इसके ये इसको अलग अलग खांचों में क्यों बांटा जा रहा है? देखिए ये तो जो सोच का एक फर्क है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट मुसलमान या हार्ड हिंदुत्व या हार्ड मुस्लिम, नो डाउट कि हर जो भी देश है, देश में हर प्रकार के धर्म को करने की अनुमति है, संविधान में निहित है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब जहां जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या के लिए आप लाइए कानून उठा के लाइए, आप खुद आप सत्ता में, आप बीजेपी 2014 के बाद से केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी को बहुत सारे उन्होंने कई कदम उठाए हैं और कदम उठाए यदि उसको ऐसा लगता है भाई। आज मोहन भागवत जी भी तो कहीं ना कहीं मदरसों में भी जाने लगे हैं, मस्जिदों में भी पहुंचने लगे हैं, तो जो वोट की राजनीति है कहीं ना कहीं सब जिस तरीके से आज बीजेपी या संघ या उसको मुस्लिम्स भी वोट नजर वोट के तौर पर दिखलाई पड़ते हैं। जहां भी मित्र बात करे थे बीजेपी की कि देखिए यूपी में कितने अच्छे से सब कुछ हुआ और कहां क्या हुआ, तो जहां जिसका दल है, जिस तरीके की राजनीति में भी बदलाव आया है, पूरे देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, तो टिट फॉर टैट की एक रणनीति साफ तौर पर दिखलाई दे रही। मैं तो बार बार कई बार मैंने कहा है और मैं पुनः कहता हूं कि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का सत्ता जिसके हाथ में है, मेरी लाठी मेरी भैंस की जो स्थिति पैदा हो रही है, आने वाले दौर में जो वैमनस्यता पैदा हो रही है, जिस तरीके का एक दृश्य बार बार बन रहा है, ये कहां ले जाकर खड़ा करेगा पता ही नहीं। और दूसरी चीज जो आप, जब हम वोट को वोट बैंक के तौर पर सभी चीजों, हर चीज तो वोट बैंक से जोड़ लगी, आप कोई भी जो दल है जहां है या जिसको चुनावों के दौर में आपको हर धर्म की याद आती है, हर जाति की याद आती है, वो जातिगत समीकरणों के हिसाब से सारे पासे बिछाए जाते हैं, पत्ते चले जाते हैं, वोट की टिकट्स बांटी जाती हैं, हर तरीके की जब बात होती है, तो जो हम चल रहा है तो वही उसी के तौर पर आगे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गई कि आपको यदि सत्ता पानी है तो क्या क्या उपक्रम करने होंगे, तो हर दल, उससे जुड़े हुए संगठन, उसके जो और अन्य जो उसके करता धरता है या जो उसको पूरी तरह से पोषित पल्लवित करते हैं, जहां से उनको खाद बीज मिलते हैं, वो सब तरीके से सामना डटमेट अपनाते हैं। और वही कुछ देश में हर प्रकार से चल रहा है, कहीं कोई जैसे ये आज कांग्रेस प्रयास कर रही है वैसे ही बीजेपी ने प्रयास किए, अन्य दलों ने प्रयास किए कहां कैसे वोट बटोरे जाए, तो वो जो जब ये चल पड़ा है तो ये आगे और बढ़ेगा। चले बिल्कुल, तो त्रिलोक जी ये सिलसिला कहां था मेकार? दूसरा, इंदिरा गांधी ने तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़वाया था संविधान में, कांग्रेस खुद को देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, लेकिन ये क्या मजबूरी है कि कभी भगवा रखना पड़ता है, कभी ट्विटर हैंडल पे आपको बदलना पड़ता है, आपका बायो बदल जाना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं का, कभी राम भगवान की तस्वीरें से भगवामय हो जाता है पीसीसी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म सर्वभाव की बात करती है, लेकिन हमारी विरोधी विपक्षी पार्टी धर्म के नाम पर सब इस तरह का उन्माद पूरे हिंदुस्तान में पैदा किया है कि एक तरह का ध्रुवीकरण करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म सर्वभाव की बात की है, तो सभी धर्मों को एक साथ एक समान मानती है। और जहां तक भगवा रंग का सम्मान है बात है, तो भगवा रंग किसी एक विशेष पार्टी का नहीं है, भगवा रंग एक धर्म का है। तो जब कांग्रेस उस धर्म को पालन कर रही है, उनका सम्मेलन कर रही है, तो उनकी अगर बात करना है तो कौन सा इसमें गुनाह है? दूसरी ओर जब हमने देखा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर जब गणेश जी का मनाया जाता है, उसको मनाया जाता है, ये तो बाद में शुरू किया ना आपने, फिर ईद नहीं मनाई गई जिसको लेके भी विवाद हुआ। नहीं, तो इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना और एक दूसरे को लड़ाना, उसी के आधार पर ये वोट प्राप्त करती है। जबकि पिछली बार 2018 के अंदर हमें बहुमत मिला था, हमारी सरकार बनी थी, आपको मालूम है कि किस प्रकार से इन्होंने एक प्रलोभन देकर दबाव बनाकर और उस हमारी सरकार को गिराया। लेकिन अगर उस सरकार को चलने देते तो आप देखते आज जो महाकाल लोक है उसका भी प्लानिंग और पूरी स्थापना और उसको शुरू करवाने का काम कमलनाथ जी ने करवाया था, कमलनाथ जी ने ही राम पथ गमन का निर्माण कराना चालू किया था। लेकिन हमको जब समय ही नहीं मिला, जिस प्रकार से सब पूरी जो लोगों की भावनाएं थी कि इस प्रदेश को विकसित प्रदेश करना है, तो आज उन्होंने देखा, हमने देखा कि जब पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किस तरह का माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, कोई विकास का काम हुआ है? केवल दंगे और इस तरह के बलात्कार और महिला उत्पीड़न के काम हुए हैं। तो आज जनता हमारी ओर, कांग्रेस की ओर देख रही है, और आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं हैं
लेकिन आपको नहीं लग रहा ये जो आपका सॉफ्ट हिंदुत्व है वो अल्पसंख्यक वोटरों को आपसे दूर कर देगा? नहीं, या आपने सोच लिया है कि वो तो बीजेपी को वोट देगा नहीं, उनके पास विकल्प नहीं है तो मजबूरी है वो कांग्रेस के साथ जाए? नहीं नहीं नहीं, हमारे हमारे कांग्रेस का जो उद्देश्य है सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। जहाँ तक धर्म, जो जो व्यक्ति, हमारे संविधान में भी हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि जो जिस धर्म का पालन करता है उसको स्वतंत्रता है उस धर्म का पालन करे। जब आपने देखा माननीय हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो ऐसा तो नहीं हो दीपाली जी कि अगली बार जब आप मौलानाओं का सम्मेलन करें अपनी जी, अगली बार ऐसा तो नहीं कि आप मौलानाओं का सम्मेलन करें तो फिर पीसीसी जो है वो हरे रंग में नजर आए? नहीं, सभी का हम करेंगे, अगर वो इच्छुक होंगे आएंगे तो हम उनका भी सम्मेलन करेंगे। हमारा प्रकोष्ठ बने हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसके अंदर मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, सबका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना हुआ है हमारा। अगर वो आयोजन करेंगे तो उसमें भी कमलनाथ जी उपस्थित रहेंगे, इसमें कौन सी बुराई है? जैन साहब बुराई क्या देख रहे हैं आप? पेट में दर्द क्यों होता है? सर्वधर्म संभव, सबके लिए दरवाजे खुले। हेलो जी जैन साहब। हेलो जी, मैंने कहा कांग्रेस को आपने सुना? पेट में दर्द तो राहुल गांधी के होता है भाई, जब वो कहते हैं कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये जो ऐसा कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने, ये आप झूठ का प्रचार करते हो, हजारों लोग प्रचार करने के लिए आपने झूठ का प्रचार, झूठे वीडियो बना बना के भेजते हो पब्लिक के पास, ये आपका काम है, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने। हमें हिंदुत्व स्वीकार नहीं है, और कमलनाथ कहते हैं हमें हिंदुत्व स्वीकार है, मूत्रपान करना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठे बातें हैं। हम गोरखपुर की बात कभी भी न कमलनाथ जी ने कहा है न राहुल गांधी ने कहा है। हजारों साधुओं के ऊपर गोली चलवा के इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने मरवा दिया, जो गोरक्षा के लिए आए थे साधु लोग, उनको गलत गलत आपका कथन बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। आप चुप रहिए, केवल आप लोग झूठ बोलने के अलावा आपको कोई काम नहीं है। अब आप चुप रहिए, जब मैं बोल रहा, जब आप बोल रहे थे चुप रहिए, आप गलत बोलेंगे तो आपको नहीं पड़ेगा, आप गलत क्यों बोलते हैं? और आपकी गलत बातें मैं सुन रहा था, आप कृपया सुने, पेट में दर्द ना हो आपके। नहीं, जब आपके नेता गलत बात करेंगे तो आपका विरोध होगा, छेड़ने जाते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? तब कांग्रेस, समूची कांग्रेस पार्टी शर्म के मारे डूब के नहीं मर जाती? जब राहुल गांधी कहते हैं लोग, हिंदू लोग लड़कियां छेड़ने मंदिर के लिए जाते, ये गलत, ये आपका कथन गलत है, शर्म आपको आना चाहिए, आपकी पार्टी को आना चाहिए, इस तरह की झूठी बातें आप फैलाते हो। और आप हनुमान जी के नाम पे हिंदुओं को ठगने की कोशिश कर रहे हो, आप वो बागेश्वर महाराज के यहाँ जाते हो और जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो अगर कमलनाथ जी जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान तो जाते हैं, कमलनाथ क्यों ममता जाते हैं ऐसे लोगों के पास? मुझे लगता है एक करके बोलते तो ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आता है। बाहर आ जाते हैं जब बागेश्वर महाराज स्पष्ट रूप से चिल्ला के घोषित कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो कमलनाथ ये उनका कथन है, उनकी सोच है, वो अगर उस बात से कांग्रेस सहमत नहीं है और बागेश्वर महाराज की सोच है तो हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करें। मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। जैन साहब आपका, त्रिलोक जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सियासत रंग बदलती नजर आ रही है, पहली बार नहीं है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जब जिस प्रकार से राहुल गांधी और कमलनाथ के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, किसी में हनुमान भक्त थे, किसी में शिव भक्त थे, और जैसे चुनाव की बेला में मध्यप्रदेश चल पड़ा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने रंग दिखा रहे हैं, पैतरे दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिलसिला चुनाव के बाद भी चलता रहेगा या चुनाव तक ही चलेगा या चुनाव तक इसमें कुछ और मोड़ भी देखने को मिलेंगे, इन सब पर भी हमारी नज़र होगी। तो मुद्दा तो हमें आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।